आईटी इनिशिएटिव के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास एरर्स क्रिएट हो रहे हैं जब भी वो अपने प्रोग्राम्स को विजुअल स्टूडियो कोड में रन करें। उनकी टर्मिनल में TSC का एरर और डिफरेंट टाइप के दूसरे एरर्स जो हैं वो क्रिएट आउट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर Node.js को लाजमी कनेक्ट किया हो TypeScript के साथ। इसके लिए मेरे चैनल से TypeScript इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज इन उर्दू ये वाली वीडियो आपने चेकआउट करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि प्रोसेस आपने यहाँ पर कंप्लीट किया हो। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि इस TypeScript के इंस्टॉलेशन के अंदर आपको बताया गया होगा कि Node.js को आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हुए TypeScript में इंस्टॉलेशन करनी है। तो आपने Node.js की इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर रखी होगी, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ सर्च में आएंगे एंड यहाँ पर आके आप लिखेंगे Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। देखें यहाँ पे दिख रहा है आपको Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो मेरा Node.js कमांड प्रॉम्प्ट है इसके अंदर आपने TypeScript की इंस्टॉलेशन करनी है। आप में से ज्यादातर बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो हमारी TypeScript को ग्लोबली जो क्या कहते हैं हम इंस्टॉल करते हैं वो उसमें कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले गलती ये है जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो Node.js कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप इंस्टॉलेशन करोगे। इंस्टॉलेशन करने के लिए ये वाली वीडियो जो TypeScript की है चैनल से इसको चेकआउट आपने कर लेना है। इनकेस आपने ये काम बिल्कुल सही किया है आपके पास, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास विजुअल स्टूडियो कोड्स में एरर आ रहे हैं। तो अब उस केस में आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ओपन अप करना है। आप जैसे अपने कंप्यूटर को ओपन अप करते हो आपकी सारी की सारी जो ड्राइव्स होती हैं वो आएंगी। सबसे पहली गलती क्या हो रही है, डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के काम कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के काम नहीं करते। अपने कंप्यूटर में जाइए, अपनी कोई भी एक ड्राइव को चूज कीजिए। मैंने यहाँ पर BTECH F को चूज करके रखा है आप लोगों के और अपने असाइनमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले इसको ओपन अप करेंगे। ओपन अप कर लिया आपने। ओपन अप करने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। आपने यहाँ से न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको फोल्डर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। एक फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कीजिए। अगर आपने पहले कोई भी बनाकर रखा है छोड़ दीजिए, नया फोल्डर बनाइए। इस फोल्डर का नाम आप यहाँ पे रखेंगे असाइनमेंट। आपने अपने कंप्यूटर में बिल्कुल इसी तरीके से करना है काम। इसका नाम हमने रख दिया असाइनमेंट। अब इस असाइनमेंट के फोल्डर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आप बनाओगे एक और नया फोल्डर, ठीक है। इसमें आपने बनाया एक और नया फोल्डर, इसका नाम आपने रखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम हेलो वर्ल्ड आप जो है वो रखेंगे। अब ये हेलो वर्ल्ड का फोल्डर आपका बन गया, ठीक। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड का बना लिया, दूसरा आपने बनाना है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, नया फोल्डर बनाइए, इसका नाम रखिए कैलकुलेटर। इस तरीके से अगर आपने जो है वो 45 असाइनमेंट्स करने हैं, न्यू में जाइए, एक और फोल्डर बनाइए, इसका नाम रखिए 45 असाइनमेंट। इस तरीके से आपने फोल्डर बनाते जाना और अपने काम को करते चले जाना है। ये गलतियां आप लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे जाके आप लोग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हम हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल चेक करें। तो ये जो हेलो वर्ल्ड का हमारा यहाँ पर है फोल्डर, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अभी आप देखो क्या है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आप एक सिंगल क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD, सिंपल यहाँ पे CMD लिखो और इंटर कर दो। जैसे ही CMD लिख के इंटर करोगे इस तरीके से आपके पास आना चाहिए। अब यहाँ पे F की जगह आपकी जो भी ड्राइव होगी वो ड्राइव होगी, आगे से असाइनमेंट एंड हेलो वर्ल्ड, ये दोनों चीजें इसी तरीके से लिखी आनी चाहिए आपके पास भी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, TSC-INIT, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू टाइप एंड देन आपने सिर्फ इंटर करना है। इंटर करने के बाद इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ आएगा। जिन बच्चों का यहाँ पे एरर आ रहा है वो यहाँ पर अपनी TypeScript जो मैं अभी बताकर आई हूँ Node.js में आप लोगों को स्टार्टिंग में, वो जो है यहाँ से जाकर ठीक करेंगे। अगर उनका यहाँ पे TSC नॉट फाउंड या इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी एरर आता है तो जब स्टार्ट में Node.js का बताया था वो प्रोसेस आप करोगे एंड देन इसको कंटिन्यू करोगे। ये इस तरीके से आपका लिखा हुआ आ जाएगा। टारगेट ES 2016 करके एंड मॉड्यूल जो है वो हमारा कॉमन JS करके
करके। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है कोड, स्पेस देना है और यहाँ पे लगाना है डॉट। क्या करना है, कोड लिखना है, स्पेस देना है, डॉट लगाना है। मेक श्योर करना है विजुअल स्टूडियो कोड आपका नहीं खुला होना चाहिए। ये लिखने के बाद सिंपल इंटर करोगे। जैसे इंटर करूंगी मेरा विजुअल स्टूडियो कोड देखो ओपन अप हो गया, खुद से हो गया, मैंने ओपन अप नहीं किया, देख रहे हो खुद से ओपन अप हो गया। एंड यहाँ पे TS कॉन्फिग की फाइल भी मेरी जो है वो क्रिएट हो गई। यहाँ से इसको जो है वो आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। मैक्सिमाइज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर TS कॉन्फिग की फाइल बन गई, ये देखिए हेलो वर्ल्ड के साथ लिखा है न्यू फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम देंगे main.ts। हर फाइल का नाम कैलकुलेटर में बनाएंगे, 45 असाइनमेंट में बनाएंगे, main.ts ही जाएगा। तो इस तरीके से main.ts की फाइल आपने यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। main.ts की फाइल का क्रिएट हो गई, प्रोग्राम लिखे सिंपल, मैं यहाँ पे console.log का जो है वो प्रोग्राम लिखूंगी। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो मैं इसके अंदर सिंपल जो है वो हेलो वर्ल्ड को टाइप कर दूंगी। यहाँ पर आप ने भी इसी तरीके से टाइप करना है। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों इसके बीच में यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं, आई डोंट नो, कॉमा नहीं लगाना है इसके बीच में आपने, ठीक है। इस तरीके से आपने टाइप करना है हेलो वर्ल्ड को। टाइप हो गया, टाइप करने के बाद रन करेंगे, मैंने जूम किया हुआ इसलिए मेरे पास नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखो रन के नीचे टर्मिनल है, यहाँ पर है न्यू टर्मिनल। बिल्कुल गौर से यहाँ से आपने मेरी बात सुनी है, प्रोग्राम लिखने के बाद टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल करना है। जैसे ही आपने न्यू टर्मिनल किया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें ये लिखा है पावर शेल, देख रहे हैं। सबसे पहले आपका इसी तरीके से PS आना चाहिए, ड्राइव आनी चाहिए, असाइनमेंट स्लैश हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए टर्मिनल में। यहाँ लिखा है आपके सामने पावर शेल, अगर आप इस पावर शेल के अंदर लिखोगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा एरर। इसके साथ में बना हुआ है ये प्लस का निशान, इसके साथ ये बना है लॉन्च प्रोफाइल। इस लॉन्च प्रोफाइल पे क्लिक करो, ये रहा आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट। प्लस के साथ जो एरो बना है उस पर क्लिक करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर दो। जैसी कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे ये देखो, ये रहा पावर शेल, ये रहा CMD कमांड प्रॉम्प्ट। इस CMD के अंदर आपने यहाँ पर टाइप करना है। सब बच्चे सिर्फ ये गलती कर रहे हैं कि वो पावर शेल में टाइप करते हैं तो एरर आता है। यहाँ पर हमारे पास फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे ताकि क्रिएट करते हुए हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे पास आए। अब यहाँ पर होना चाहिए CMD आपका सिलेक्ट, और यहाँ पर एफ या जो भी ड्राइव है असाइनमेंट स्लैश हेलो वर्ल्ड, यहाँ टाइप करोगे TSCmain.ts और इसको एंटर करोगे। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी एक सेकंड के बाद देखो इसने इसको क्रिएट कर दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ये आ गई मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल। हो गया, गलती क्या कर रहे हो, पावर शेल में जा रहे हो लिखने के लिए, सीएमडी में नहीं लिख रहा है, सीएमडी में लिखते हैं। सीएमडी में अब लिखेंगे नोट main.js। जैसे लिखकर एंटर किया हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग टू प्रिंट एनीथिंग। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, हमेशा पावर शेल में लिख रहे हो, पावर शेल में नहीं लिखना, हमको सीएमडी में लिखना है। मैंने एरर की वीडियो दी उसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया, मैंने सेपरेट हेलो वर्ल्ड की वीडियो दी मैंने उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया, स्टिल गलतियां कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट सिक्योरिंग यहाँ पर जो है मेरे पास वे है आपको ये चीज सिखाने का। आप देख लो कोई भी एरर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, आपने बस सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका हर एक आउटपुट कहाँ जाएगा, सीएमडी में, पावर शेल में कोई भी नहीं लिखेगा। सब यहाँ से एरो को खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने टाइप करना है अपने आउटपुट को चेक करने के लिए। अब जितने भी बच्चे आगे से प्रोग्राम बनाएंगे इसी तरीके से फोल्डर बनाएंगे असाइनमेंट का और उसमें एक एक फोल्डर बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये क्यूरी जो होगी वो आपकी यहाँ पर रिजॉल्व हो गई।